नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सौरभ जागलान फिटनेस में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेट गेनिंग के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेगी और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है मास गेनिंग और एक होती है वेट गेनिंग। दोनों की डाइट और वर्कआउट में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेट गेनिंग के बारे में कि कैसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। वैसे तो वजन बढ़ाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको YouTube पर भी हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि आप 10 दिन में अपना वेट बढ़ाएं, आप 15 दिन में अपना वेट बढ़ाएं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर में अच्छी तरह से पची नहीं रहा तो आप कैसे अपना वेट गेन कर पाएंगे। और उसके बाद वेट गेन के लिए बात आती है कैलोरीज की, आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। आपको कैलोरीज कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि मान लो कि आपका वेट 50 kg है, 50 × 30 यानी कि 1500, तो आपको एक दिन के अंदर 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। आप इसको अपने वेट के हिसाब से 30 से मल्टीप्लाई कर लें, जिससे आपको अपनी कैलोरी कंज्यूमिंग का पता चल जाएगा। आप एक दिन में जितनी भी कैलोरीज लेते हैं उसका आपका 60% आपको अपने कार्बोहाइड्रेट से लेना है। कार्बोहाइड्रेट आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी बढ़ा देता है और ये आप बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड बहुत ही आसानी से और सस्ते मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको रोटी, चावल, आलू, ओट्स, शकरकंदी, ऐसे बहुत सारे खानों में आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। वैसे तो बॉडी सबकी सेम ही होती है, लेकिन जिन लोगों ने बॉडी बनाई होती है वो एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं। और आप एक अच्छी बॉडी क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि आप एक अच्छी डाइट को फॉलो नहीं करते। आप डाइट तो लेते हैं लेकिन उसको आप रेगुलर नहीं लेते, और जो एक अच्छी डाइट लेता है वो आपसे जल्दी अपनी बॉडी बना जाता है। और दूसरी बात, आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। आपको एक वीक के अंदर 4 से 5 दिन का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपकी मसल्स पर लोड पड़ेगा और उसके बाद आपकी मसल्स ग्रोथ होंगी। और जिस समय आप वेट गेन करते हैं उस समय आप वर्कआउट 1 घंटे से ज्यादा ना करें, क्योंकि आपको गेनिंग के टाइम पे कैलोरीज लोड करनी होती है, ना कि कैलोरीज बर्न। अगर आप ये दोनों तरीकों को फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो आपका वेट गेन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।